किससे कहानी चित सुनया कि कोई मर के दोबारा जन्म ले लंदा तू की सोचता है ए चीता ही है मैं कि मैं कोई बाहरला साला आके कब्जा कर लूं साडी हवेली ते चीते जेड़ा बचपन में थोड़ा अपने खो लिया तो शायद तरस करके उन्हें वापस भी देता सी सरदार जी सत्ता पिंडा दी शामलाट दे जमीन दे जाली कागजात बना के आवदे ना कराउन दी कोशिश करी जांदा सी तैनू नहीं पता उस जमीन ते किसदा हक हुंदा है सत्ता पिंडा दे सरपंच दा और फिर डॉक्टर साहब किवें चलदी थोड़ी पढ़ाई पढ़ाई कैंट ते नाले मैं सुनिया तेरा भी टाइम आ गया सरपंची सांभण दा सत पिंड दा मैं सांभ लूंगा डॉक्टर साहब पर मैनू भी तां कोई संभालण वाली चाहीदी है मैं सोचता है सरपंची दा अगला नाम बोलते हैं सरपंची तैनू मिले जा मैनू पर पाइयां तो वड्डी नहीं हो सकदी मैं तां इत्थे अपनी मां नूं मिलन आया सी एक लफ्ज च दस दो है कौन मैनू नहीं पता कि तू सच्चा है कि झूठा पर तेनू काल जे न लौण नू जी करदा शहर गया पता लगा हवेली दियां रौनकां वापस आ गईयां ने तां ही ओ बंदा जिहड़ा रौनकां वापस लेके आया मैं तां हवेली विच बाहरला खोल नहीं सी आउण दिंदा पर मैनू ए नहीं सी पता कि अपना खूनी जहर बन जाऊगा कल्ली हवेली ते नहीं मैनू तां लगदा तेरे अरमाना ते भी कब्जा करन नू फिरदा उहनू गलों फड़ना नहीं उहदा साले दा गला लाउणा शतरंज की खेड का वह राजा जिहड़ा हाथी घोड़े प्यादियां की फौज अपने नाल लेके खड़ा मैं शतरंज का वह घोड़ा है जो अपनी ढाई कदम की उडनी चाल दे नाल राजे नूं भी मात दे सकता है तू भुल गया कि शतरंज एक घोड़ा नहीं दो घोड़े होंदे आ।